नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रकांत और आज हम बात करेंगे रेनॉल्ट ट्राइबर के बारे में। दोस्तों, रेनॉल्ट ट्राइबर रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुई है रेनॉल्ट के थ्रू और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है इस गाड़ी को। सब 4 मीटर की इस गाड़ी में 7 सीटर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फ्रंट से गाड़ी कुछ ऐसी देखने को मिलती है जिसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको बेस मॉडल से ही देखने को मिलते हैं। गाड़ी को देखें अगर बाहर तो काफ़ी मस्कुलर लुक देखने को मिलता है जो कि बहुत ही सही दिखता है रेनॉल्ट की इस गाड़ी में। गाड़ी बाहर से कुछ ऐसी दिखती है जो कि आपको देखने को मिलेगा कि एक बहुत ही बड़ी एसयूवी है, लेकिन एक सब 4 मीटर 7 सीटर एक एमपीवी है। देखें तो यहाँ पर इजी आर की ब्रांडिंग साथ में एनर्जी लिखा हुआ है जो कि ये दर्शाता है कि यह गाड़ी ऑटोमेटिक है। साथ में ये BS6 भी है। पीछे टेल लाइट कुछ ऐसी दिखती है और ये ब्लू कलर में गाड़ी बहुत ही शानदार लग रही है। ऊपर आपको रूफ रेल्स देखने को मिल जाती हैं और ऊपर एक्स रूफ रेल्स हो सकता है आपको लोअर वेरियंट्स में देखने को ना मिले। साथ ही में अगर टायर्स की बात करें तो टायर्स में मिलते हैं आपको 155, 55, 185, 55, 65 R15 के टायर देखने को मिलते हैं जो कि एक ठीक ठाक साइज़ है टायर का इस कार के लिए। राइड क्वालिटी गाड़ी की बहुत सही है, मैंने चला के देखी है गाड़ी को। इस गाड़ी में सिर्फ एक ही कमी है जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, जो कि शायद इसके मेजर इशू हो सकता है। फ्रंट से गाड़ी कुछ ऐसी देखने में लगती है और काफ़ी मस्कुलर लुक देखने को मिलता है गाड़ी का। गाड़ी देखने में आपको नहीं लगेगी किसी भी एंगल से कि ये 5.5 लाख रुपये से स्टार्ट होती है। गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो गाड़ी में इंटीरियर में काफ़ी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी और काफ़ी सही तरीके से इसके स्पेस में यूटिलाइजेशन किया गया है। कहीं ना कहीं आप कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि आपकी गाड़ी में कोई भी स्पेस गलत तरीके से छूटा हुआ है। स्पीडोमीटर की बात करें तो स्पीडोमीटर आपको बहुत ही बेसिक टाइप का देखने को मिलेगा। इसमें कोई भी ग्लास वगैरह फ्रंट में नहीं देखने को मिलेगा। सीधी लाइट्स जो है आपको रिफ्लेक्ट होकर दिखाएंगी कि आपका RPM और स्पीड कितनी है। यहाँ पर आपको वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं, यहाँ पर आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। साथ में अगर आप यहाँ पर स्टेयरिंग देखें तो आपको SRX एयरबैग मिलते हैं, यहाँ पर सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिलते हैं। साथ में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आउटसाइड रेयर व्यू मिरर भी मिलता है। ये रिट्रैक्ट नहीं होता है, मतलब आप बंद नहीं कर सकते हैं इसको। इंटीरियर की क्वालिटी भी डिसेंट है, आप उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस प्राइस रेंज में। साथ में अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको लगभग सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जैसे कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले। साथ में आपको सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी जैसे कुछ ड्राइविंग इको 2 वगैरह, जिसमें आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगी कि जैसे आपका ड्राइविंग बिहेवियर कैसा था और बाकी चीज़ें। साथ में आपको वॉइस कंट्रोल का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके अलावा नीचे देखें इसके तो इसके नीचे आपको देखने को मिलेंगे AC के कंट्रोल्स जो कि पीछे तक जाते हैं। साथ में पुश बटन स्टार्ट स्टॉप अब आपको देखने को मिलेगा। इसमें ये ऑटोमेटिक गियर नॉब जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें R, N, D और साथ में पार्किंग मोड के ऑप्शन दे रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस है, साथ में आपको ऑटो एप्पल कार प्ले के लिए आपको जगह मिल जाती है। साथ में आपको थोड़ी सी जगह यहाँ पर मिलती है जो कि आर्म रेस्ट के थोड़ा सा नीचे, आर्म रेस्ट नहीं है, उसके नीचे थोड़ी जगह जो कि कूल्ड है, मतलब आप इसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं, कूल्ड है ये मतलब। और ये पीछे के ब्लोअर्स के लिए आपको ऑन ऑफ करने का स्विच दे रखा है। उसके अलावा यहाँ पे ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स आपको 2 मिलते हैं, जहाँ पे आपको कुछ ये वाला डिसेंट साइज़ का मिलता है, ये वाला भी एक बढ़िया साइज़ का देखने को मिल जाता है। साथ में काफ़ी अच्छी पॉकेट्स भी बनी हुई हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको हैजार्ड लैंप और बाकी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके अलावा बात करते हैं अपन पीछे की। पीछे के लिए मैंने अपनी ये जो सीट है मैंने मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर दी है, तो आपको मैं स्पेस का आइडिया दे दूँगा। मेरी हाइट 6 फीट है तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पीछे कितना स्पेस है। पीछे की सीट की बात करें तो पीछे की सीट में भी दरवाजे पर आपको पावर विंडो देखने को मिल जाती है। आप उतनी अच्छी क्वालिटी की एक्सपेक्टेशन ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो आप ये गाड़ी नहीं ले पाएंगे। उसके अलावा अगर आप देखें तो गाड़ी ठीक ठाक डिसेंट क्वालिटी है, आपको मारुति से मिलती जुलती क्वालिटी देखने को मिलेगी जो कि मारुति की सस्ती गाड़ियों में आती है। उसके अलावा अगर यहाँ देखें तो आपको एक AC ब्लोअर देखने को मिल जाता है। एक AC ब्लोअर आपको पीछे के लिए भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट, 4 एयरबैग के ऑप्शन मिलते हैं, ये आपको पीछे के लिए दे रखा है। यहाँ पर आपको लाइट देखने को मिल जाती है पीछे रीडिंग लैंप के लिए, पीछे से डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है। उसके अलावा यहाँ पर भी आपको पावर विंडो का स्विच देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हेड रूम की बात करें तो हेड रूम भी आपको काफ़ी डिसेंट साइज़ का मिल जाता है जो कि बहुत सही है। उसके अलावा बात करें तो अगर पीछे से आगे वाला बंदा कोई पीछे सीट पीछे कर दे तो कुछ इस तरीके से आप फंस जाएंगे। तो उसके अलावा बात करते हैं हम पीछे की, तो पीछे वाली सीट में रो में आप सिर्फ और सिर्फ बच्चे बैठा सकते हैं, एडल्ट्स किसी भी हालत में नहीं बैठ सकते हैं। या फिर कोई एक बच्चा बैठा के आप यहाँ पर बूट स्पेस को इंक्रीज़ कर आप बूट को ज़्यादा बढ़ाकर और भी सामान यहाँ पर रख सकते हैं। डिफॉगर, रेयर वाइपर वगैरह भी मिलता है, ट्राइबर की ब्रांडिंग मिलती है, साथ में रेयर कैमरा भी देखने को मिलता है। उसके नीचे आपको नंबर प्लेट दिखती है। बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस विदाउट सीट फोल्ड किए हुए आपको सिर्फ और सिर्फ 50 लीटर के आसपास मिलेगा। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है। उसके अलावा
यहाँ पर आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट टाइप का कुछ देखने को नहीं मिलता है, ये बस जुगाड़ टाइप से अगर रखा है पीछे। उसके अलावा इतने ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि सब 4 मीटर में सारी चीज़ एडजस्ट करना उतना पॉसिबल नहीं होता। अब दोस्तों जो मैं बात कर रहा था इस गाड़ी की कमी की, तो सिर्फ एक ही कमी है इस गाड़ी की, वो है इसका इंजन। बहुत ही कम पावर का 1 लीटर का इंजन दे रखा है। अगर इसको अगर गाड़ी को सक्सेस होना है तो गाड़ी में 1.2 लीटर का एक नॉर्मल एस्पिरेट इंजन, नेचुरल एस्पिरेट इंजन, या फिर एक 1 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन की बहुत ज़्यादा डिमांड है इस गाड़ी में। अगर ये हो जाता है तो गाड़ी लाजवाब है, बेझिझक आप ले सकते हैं। अभी भी आप गाड़ी को ले सकते हैं, बस एक बार जाकर टेस्ट ड्राइव ले लीजिए। अगर आपको गाड़ी पसंद आती है, पावर पिकअप सही लगता है, तो गाड़ी को बेझिझक ले सकते हैं, गाड़ी बहुत ही सही है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और अगर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है तो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।